कर्मचारियों की हाजिरी हो या वेतन, हाफ डे हो या नाइट ड्यूटी, सबका रखो पूरा हिसाब, पूरे स्टाफ को मैनेज करो एक साथ एक ही ऐप पर, डाउनलोड पगार खाता। तो अब कोरोना पर राजनीति करते करते मामला एफआईआर की राजनीति पर आ गया है। छत्तीसगढ़ में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह पर एनएसयूआई की शिकायत पर एफआईआर दर्ज हुई, तो दूसरी ओर बीजेपी की शिकायत पर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर एफआईआर हो गई है। बात सिर्फ एफआईआर तक ही सीमित नहीं है, रमन सिंह अपने ऊपर दर्ज एफआईआर को लेकर पुलिस के खिलाफ धरने पर भी बैठ गए हैं। एनएसयूआई का आरोप है कि कांग्रेस के रिसर्च सेल के फर्जी लेटर हेड पर झूठी कहानी बनाई गई और इंटरनेट पर प्रचारित की गई, लेकिन रमन सिंह के मुताबिक सारे आरोप झूठे हैं। न्यायालय में जाते जाते इनकी जो सारी तैयारी है, जो झूठे मामले हैं वो बेनकाब हो जाते हैं, और जिस प्रकार उन्होंने संबित पात्रा और मेरे खिलाफ मामला दर्ज किया, तो हम लोग इस मामले को न्यायालय तक ले जाएंगे। छत्तीसगढ़ में दर्ज एफआईआर में रमन सिंह के अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा भी कटघरे में है। उन्हें रविवार को ही पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन संबित पात्रा पेश नहीं हुए। इस बीच दिल्ली पुलिस ने कथित टूल किट वाले संबित के ट्वीट को मैनिपुलेटेड बताने पर ट्विटर को नोटिस दे दिया है। कांग्रेस की कथित टूल किट सच्ची है या फर्जी, इस घमासान के बीच जब कमलनाथ ने इंडियन वेरिएंट कोरोना को लेकर यह बयान दिया तो नया घमासान हो गया। ये शुरू हुआ था चीन का कोरोना, आज भारत इतना महान बन गया कि अब इंडियन वेरिएंट कोरोना, विश्व के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति आज इंडियन वेरिएंट कोरोना से डरे हुए हैं। देशों ने बैन कर दिया, सिंगापुर देश जैसे देश ने बैन कर दिया, जो हमारे बच्चे स्कूल जा रहे थे, मुझे तो किसी ने बताया कि जिसको कॉलेज में एडमिशन हो गई थी, उन्हें कहा आप इंडिया से आ रहे हैं, आप इंडियन वेरिएंट ले आएंगे। कमलनाथ के बयान पर बीजेपी को ये कहने का मौका मिल गया कि टूलकिट में जो हथकंडा सुझाया गया था वो साबित हो रहा है। बीजेपी के शिकायत के बाद कमलनाथ के खिलाफ भ्रामक जानकारी फैलाने को लेकर भोपाल में एफआईआर भी दर्ज हुई। मैं मैडम सोनिया गांधी से पूछना चाहता हूं, आग लगाने वाले बयान से क्या वो सहमत है कमलनाथ के? अगर कमलनाथ मन से कर रहे हैं तो फिर आप धृतराष्ट्र बन के तमाशा क्यों देख रही हैं? आप कार्रवाई कीजिए, और अगर आप सहमत हैं तो देश को अवगत कराइए, ताकि देश अवगत हो सके कि कांग्रेस का सोच क्या है। शिवराज सिंह जी की बात सही है, मान लो तो सुप्रीम कोर्ट के हलफनामे में कानून मंत्रालय ने और स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह कहा कि 9 मई को कि डबल इंडियन वेरिएंट का शब्द का उपयोग किया गया, ये इसका हलफनामे की कॉपी है। मैं मानता हूँ अब इन पर भी एफआईआर होनी चाहिए, मेरे ही देश में होनी चाहिए, मेरे ही प्रदेश में होनी चाहिए। जिस भावना के अनुरूप कमलनाथ पे हुई, उसी भावना के विपरीत अनुरूप इन पे होनी चाहिए। अगर नहीं हुई, इसका मतलब शिवराज भ्रष्ट राष्ट्र है, इसका मतलब नरेंद्र मोदी भ्रष्ट राष्ट्र है, तो नियम तो सबके लिए एक लागू होता है। कोरोना की राजनीति में एक दूसरे पर उंगलियां उठाने के बाद मामला पुलिस तक पहुंच गया है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या जिसकी सरकार उसकी एफआईआर?